नहीं सर, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस। सर समझते रहना, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा चैप्टर है, पहले समझना। सर इसे बोलते हैं यूनिवर्सल, पहले समझो बाद में नोट कर लेना। इन सिंबल को समझना सर, जो सिंबल मैं आपको समझा रहा हूँ, ए यूनियन बी, क्या बोलते हैं इसे, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड करना, किसी चीज़ को कंबाइंड करना। चलिए सर जो कॉमन है पहले वो लिखो, 1 2 4 5 6 7। ये जरूरी नहीं यूनिवर्सल हो, पहले जो चीज़ कॉमन है वो लिख दीजिए, उसके बाद जो बचते हैं उनको भी लिख दीजिए। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। क्या बोलते हैं, क्या यूनियन। सर ए इंटरसेक्शन बी ओनली कॉमन, अभी नोट मत करो कोई भी, सुनते रहो पहले। ए माइनस बी, ए में तो हूं, ये कर्ली ब्रैकेट है सर, ए में तो हूं पर बी में ना हूं। सर बी माइनस ए, समझ में आया सर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में तो हूं पर ए में ना हूं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 6 8। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस, बोलिए सर क्या क्या, 3 5। अरे नहीं यार समझ में, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने आप पे। मीन्स कंबाइन, जो कॉमन है पहले वो लिख दीजिए और जो बचे हुए वो लिख दीजिए। कैसे मिलेगी उससे बोलिए, हाँ जी मेंस, ए में हो यूनिवर्सल, जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस होगा, माइनस होगा। अब एक बात सोचिए सर, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो बोलो क्या लिखोगे, मतलब ए यूनियन बी यूनिवर्सल में तो हो। वो कौन कौन से हैं सर, 3 3 और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही इतने सारे कहां से आ गए, 3 4 5 6 7। कोई शक सर, अगर सपोज करो, सपोज करो ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, और मैं आपसे कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो 5, क्या बोलते हैं सर, 5 मतलब नल सेट, जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो, क्या बोलेंगे, नल सेट। सर इस इंटरसेक्शन को ज्वाइंट सेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब दो चीजों को ज्वाइंट करता हूं, और डिजॉइंट जब उनके बीच में इंटरसेक्शन ना हो, फाइव का मतलब भी क्या होता है, नल सेट, और क्या बोलेंगे, डिजॉइंट सेट। चले नोट करेंगे आप, नोट करिए, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा यूनिवर्सल से माइनस, यूनिवर्सल से माइनस, ठीक है सर, करिए सर करिए, बातें बाद में। अब सर मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आगे की थ्योरी समझाता हूं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अभी भी देख लो इसमें से कुछ पूछना हो तो।
कैसे करोगे सर इस क्वेश्चन को? पहले ए यूनियन बी निकालना, सुनो मेरी बात को, और जो ए यूनियन बी आएगा उसके बाद उसका क्या करना, यूनिवर्सल से माइनस, यूनिवर्सल से माइनस है ना। पहले ए को इधर वाली कंडीशन को, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना यू माइनस बी, फिर उन दोनों के बीच में क्या निकालना। किससे नहीं हुआ? सबसे हो गया पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालो। इन्हें ब्रैकेट के अंदर रखते हैं सर सब। अब कैसे निकाल दो? आराम सही तरीके से निकाल लो ना सर। ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने उसे यू माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सर, गलती हो जाएगा, सबसेट बन जाएंगे एकदम, आपकी गलती प्रॉब्लम कर जाएगी पूरे उसको। यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो सर, कैसे निकालोगे, क्या आएगा सर? 2 4 बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 सर दोनों के बीच में, और इन्हें ब्रैकेट में रखना सर सेट्स को। एक क्वेश्चन और कर दीजिए सर, यही एग्जाम्पल है, नहीं कर रहा है? करिए सर। हाँ जी, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सर देख लो सबका क्या है सर इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी कंप्लीट। अब एक बात सुनो सर, हेडिंग डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब एक बात सुनो सर, सर ए में है 1 2 3, बी में है 5 और 6, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं सुनिए, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, नहीं सर, कौन सी प्रोडक्ट सर? मुझे बी क्रॉस से ही निकालना है, पहले क्या लिखूंगा? बोलिए सर, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है सर, ए क्रॉस बी में तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया सर, बी क्रॉस ए में ही क्या हो गया, ये एक्स, दोनों डिफरेंट हो गया ना, तो ए नॉट, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या, बी क्रॉस है, ध्यान रखना सर। क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को, नोट करिए सर,
हो गया सर। अब एक बात सुनो सर, ए में 1.2 है और वो अगर आपसे कहता है एक रो से निकालो, जरा सुनिए सर, पहले दो को सोल्व करिए, 1-1, 1-2, समझ में आया सर। अब एक ब्रैकेट को ले लो, 1-1, 1-1, 1-2, 1-2, समझ में आ रहा है, एक ब्रैकेट को लो दोनों के साथ कंप्लीट कर दो, 2-1, 2-1, 2-2, 2-2, करिए सर। आज मैं आपको ये सारे सिंबल समझा दूंगा, चले सर, ये समझ में आ गया सर सबको। हेडिंग डाली सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट बनाते कैसे हैं। सर जैसे 5-25, 1-25, 6-25 किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना सेट्स, जैसे ये क्लास है, मैं कह सकता हूँ ये मैथमेटिक्स की क्लास है, यहाँ पर जो भी बच्चा बैठा हुआ होगा उसके पास मैथमेटिक्स होगा, एक सेट है। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x such that x लिखने का मेथड होता है, n belongs to, n belongs to,
बिलोंग्स टू का मतलब ये इसका एलिमेंट है। आप देखिए ना सर, फाइव फाइव का स्क्वायर फाइव की पावर थ्री, फाइव की पावर फोर, यानी फाइव की पावर एन, और एन की वैल्यू कहां से कहां तक, वन से। सर सपोज करिए मैं अगर आपको ऐसे कहता हूं कैसे लिखेंगे सर, x such that x n belongs to, और n belongs to, जिससे किस, क्या बोलते हैं इस वाली फॉर्म को, क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म रोस्टर फॉर्म। और सुनिए सर, सर वन अपॉन टू थ्रू टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन फोर, यानी जो नंबर ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है। सर बोलिए कैसे लिखोगे आप, x such that x और n की वैल्यू वन से लेके, और n बिलोंग्स टू, समझ में आया सर आपको, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कौन सी फॉर्म होती है इसे क्या बोलते हैं सेट, और इसे इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू का मतलब ये इसका एलिमेंट है। जैसे में अगर मान लो फोर बाय फाइव चाहिए, नहीं फिर वो सेट नहीं, वो सेट सेट एक रिप्रेजेंट कंडीशन होती है, मतलब कंटिन्यूस वे में उस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जो मंथ हैं उनमें जे से स्टार्टिंग होने वाले सेट्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, जून जुलाई जनवरी। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये क्लासरूम है इसमें बॉयज का सेट बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ सर। आपकी क्लास में जो 50 स्टूडेंट होंगे उसमें बॉयज और गर्ल्स का सेट्स बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ सर। पर अगर तू मेरे से कहता है कि इंडिया के टॉप 10 बेस्टमैन बताइए कौन से होंगे, नहीं बना सकता सर, ठीक है। मतलब हो सकता है एक बॉलर बहुत अच्छा खेल जाए, वो भी अच्छा बेस्टमैन है, जो सेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट आता है वो भी एलिमेंट ही बोलते हैं। नहीं सर वो भी समझाऊंगा, पावर सबसेट, पावर सेट, पावर अभी समझाऊंगा सर, सारे सिंबल समझा दूंगा आज, चिंता मत करो। हैं ये नहीं 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 ये सर, चलें सर। अब एक बात सुनना सर, समझ में आया सर यहाँ तक, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं, किसी को डाउट?